आ गए। अगर मरा हुआ लैपटॉप ले लाओ और यहाँ से जिंदा लेके जाओ। अच्छा है, बस मैं यही कहूंगा कि आप लोग यहाँ आइए और अपना लैपटॉप या जो भी कुछ हो रिपेयर करके ले जाइए। बहुत सही, बहुत सही। ये हमारी पर्सनल रिपेयरिंग सीट है जहाँ पे हम लोग बोर्ड रिपेयर करते हैं और हर ब्रांड के बोर्ड रिपेयर किए जाते हैं यहाँ पे, चाहे वो HP हो, डेल हो, लेनोवो हो, किसी भी ब्रांड का लैपटॉप होता है। जनरली लैपटॉप रिपेयरिंग का जो कल्चर है ना, वो छिप छिपा कर करने का है, पर्दे की आड़ में है। लोगों का अक्सर ये कंप्लेन होती है कि सर हमारा लैपटॉप हमारे सामने रिपेयर करवाना है, तो हम वो लोग हैं। आप एक पर्सनल पहले टाइम अपॉइंटमेंट बुक करिए, आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा, उस टाइम पे आएंगे तो यहाँ प्रॉपर आपके सामने ही आपका कंप्यूटर रिपेयर किया जाएगा, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे लेनोवो का हो, चाहे डेल का हो, किसी भी ब्रांड का हो। कि एक दिन मैं काम करते करते सोया, लैपटॉप को भी सुला दिया। बिल्कुल, मैं तो उठ गया लेकिन ये नहीं उठा। उसके बाद मेरे घर से नजदीक था नोएडा सेक्टर 18, वहां पर लेके गया मैं। उस बंदे ने 2-3 दिन अपने पास रखा हुआ था इस लैपटॉप को, उसने चाहा कि इसको ठीक कर दे, ये कर दे, वो कर दे। दूसरे तीसरे दिन हम पहुंचे वहां पर तो मुझसे कह रहा है 3,000 रुपए दे दो, इसको वापस लेके चले जाओ, इसमें कुछ बचा नहीं है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया, यूट्यूब पे देख रखा था और सर ने एक बात यही कही थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे यहाँ आइए तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अगर वो खराब देते, ट्रैक काट देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, फिर भी सर के पास आए। और द बेस्ट थिंग यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि मैंने फोन किया तो सर ने बाकायदा, इतना बड़ा इनका पूरा सेटअप है, लेकिन फिर भी ये कॉल को रिसीव किए, इन्होंने मुझे बताया कि आप जो है आ जाइए। और इनकी जितने भी स्टाफ है सब बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब आपको यहाँ फील नहीं होगा कि आप किसी ऐसी जगह पे हो, देयर इज नो एटीट्यूड, ऐसा कुछ मुझे दिखा ही नहीं। हाँ, ये स्टूडेंट है। हाँ जी, क्या नाम है? रोशन। कितना टाइम हो गया तुम? सर मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। कितना टाइम हो गया सर आपको? मेरे को 1 महीना हो रहा है सर इधर आया। 1 महीना हो गया। और लगभग कितना, मतलब जो सोच कर आए थे यहाँ पर वो चीज है? हाँ बिल्कुल सर, हो रही है, हो रही है। यहाँ के जो मेन चैंपियन कमाल सर, बिल्कुल आप बता रहे हैं। एक्चुअली में हाँ, नाम इनका कमाल सर है। हाँ, और एक्चुअल में कमाल के कमाल है, और कमाल की टेक्निक्स भी है इनके पास। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हम आपको अपना नॉलेज जो हम जिनका हम किसी काम को किस तरीके से करते हैं वो तो सिखाते ही सिखाते हैं, और यहाँ पे 5 से 10 अलग अलग इंजीनियर अपना दिमाग जो इस्तेमाल करके अलग अलग टाइप से उसी काम को करते हैं, वो चीज भी यहाँ सीखने को मिलती है, जहाँ से आप अपने लिए बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर इंजीनियर चॉइस या कह सकते हैं मास्टर दिनेश, मेरा खुद की एश्योरिटी रहेगी वारंटी की। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसको इमीडिएट बेस रिजॉल्व किया जाएगा। तो भाई बात ऐसी है, कुछ घर जैसी, एक नए दिन के साथ एक नई जगह आ गए हैं, नई जगह के साथ साथ भाई एक नई वीडियो के लिए आए हैं। और भाई आज आए कहाँ हैं? आज आए हैं भाई हम नेहरू प्लेस में। हम जिस कंपनी के बारे में आप बताने वाले हैं भाई, मैंने इसका बहुत सर्च करा था और फिर मैं आपके पास ले गया हूँ। जो भाई IT सेक्टर में जाना चाहते हैं या IT सेक्टर में भाई ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो भाई एक बार यहाँ पर विजिट करना बहुत बनता है। मैं कंपनी का बात करी जाए तो इंजीनियर चॉइस होगा यहाँ पर भाई, लैपटॉप रिपेयरिंग, ट्रेनिंग एंड सेल सब होता है। आइए अंदर चलते हैं, अंदर मिलवाते हैं यहाँ के ओनर से। जैसे कि आप तो दिनेश यादव इनका नाम है, आइए मिलते हैं, मिलाते हैं, आपको भी जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे भाई ट्रेनिंग होता है, रिपेयरिंग होता है, और भाई यहाँ से आपको लैपटॉप मिल भी जाएंगे सेकंड हैंड। आइए सर से मिलते हैं, जानते हैं इनकी कंपनी के बारे में, जानते हैं कैसे आप यहाँ से जुड़ के एक अच्छा खासा आप अपना व्यापार कर सकते हो और अपने ट्रेनिंग ले सकते हो और अपना एक हुनर ले सकते हो। कहने का मतलब ये है, आइए मिलते हैं। तो हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो, बढ़िया जी, बढ़िया। सर हाँ, मैं बहुत सर्च कर रहा था, और पहले तो मैं बेसिकली ये बता दूं भाई ये स्टूडेंट है और क्लास ही हो रहा था, मैंने सर से बस 5 मिनट के लिए परमिशन लिया है आप लोगों के लिए, ताकि इस पार्ट के आप भी भागीदारी बन सकते हो, हिस्सा बन सकते हो। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। सर अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए जरा। हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। पहले तो मेरा नाम दिनेश है और हमारा खुद का भी YouTube चैनल है मास्टर दिनेश के नाम से। हमारी कंपनी का नाम है इंजीनियर चॉइस प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग यहाँ पे लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग कराते हैं, अर्थात काम सिखाते हैं। काम सिखाने के साथ साथ यहाँ पे लैपटॉप रिपेयरिंग का काम भी किया जाता है। हर ब्रांड्स के लैपटॉप हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से कूरियर होकर के आते हैं, इवन इंडिया के बाहर से भी अब तो टचवुड आने लगे हैं शिप होकर के, और वो प्रॉपर रिपेयर करके वापस शिप कर दिया जाता है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये पूरा ट्रेनिंग का एरिया है। बिल्कुल, इसी में अंदर पूरा स्पेशली अभी हम लोगों ने कर दिया है मैकबुक रिपेयरिंग का काम,
और इसके अलावा भी हमारी दो ऑफिसेज है इसी बिल्डिंग में। मेन रूप से हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग का काम सिखाते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ काम सीखते हैं और हम लोग तीन स्टेप में ट्रेनिंग सिखाते हैं। पहले सुनने का, सुनो, देखो और करो, तीनों स्टेप को फॉलो करना होता है। पहले ये 3 महीने यहाँ पे काम सीखते हैं, 3 महीने के बाद इनको टाइम दिया जाता है 1 से 1.5 महीने का काम देखने का। जो हमारे ऑलरेडी पेड इंजीनियर्स है उनके साथ इनको टाइम दिया जाता है 1 से 1.5 महीने का। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है खुद काम करें। ठीक है, ये जब खुद काम करते हैं, हमारे लिए पैसे जनरेट करने लगते हैं और इनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आज हम सर के लिए पैसे जनरेट कर रहे हैं तो कल अपने लिए भी जनरेट करने लगेंगे। जब इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, ये खुद डिसीजन लेते हैं कि सर अब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, मुझे इंटरनली अंदर से आवाज आने लगी है कि मैं रिपेयरिंग कर सकता हूँ। हमारी तरफ से ये नहीं कहा जाता कि नहीं, बैक टू बैक हम लगातार क्लासेस लिए जा रहे हैं, 1 घंटे क्लास लिया भग जाओ यहाँ से, 1 घंटे क्लास लिया अब आपके लिए टाइम नहीं है। 3 महीने जनरली देखा गया कोचिंग्स में क्या हो, बैक टू बैक क्लासेस चल रही होती हैं। बिल्कुल, और डायरेक्ट स्लॉट होता है, टाइम स्लॉट हुआ कि आपको इस टाइम से इस टाइम आना, उसके बाद आपको नहीं, नहीं यहाँ पे बच्चे किसी भी बच्चे से पूछेंगे आप लोग किस टाइम आए हैं, 11 बजे। क्या बजे जाते हैं आप? 8 बजे। आप क्या बजे आए हैं? 11 बजे। क्या बजे जाते हैं? 7-8 बजे। आप 1 बजे जाते हैं? 12:30। आप 1 बजे आए हैं कि जाते हैं? आए हैं। 7 बजे जाते हैं आप? 12:30। काम करने का पूरा मौका मिलता है? जी सर। पक्का ना? वीडियो में ऐसा नहीं कि वीडियो बन रही है तो ऐसे कुछ भी, क्योंकि देखिए आप लोगों का सही बोलना जरूरी है, क्योंकि आप गलत बोल देंगे तो क्या होगा, आपको देखकर किसी और ने एडमिशन लिया उसका भविष्य खराब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो ऐसा नहीं है कि वीडियो बन रही इसलिए आप बोलेंगे, किसी के भी मन में जो भी है ऐसा नहीं है कि ये भी सच्चाई होनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट है दोस्तों, जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने इन सबसे बात करी, ये लोग भी रिव्यू देखकर सर के चैनल पे विजिट करके यहाँ पर आए हैं और दूर दूर से आए हैं एक विश्वास के साथ, और यहाँ पर ट्रस्टेड जो बताया जाता है वो चीज है। यहाँ पर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही होता है। अदर सेंटर में क्या होता है भाई, आपको थ्योरी थ्योरी दे देते हैं, प्रैक्टिकल के लिए मौका नहीं मिल पाता, तो वो आधा अधूरा सीखे हुए होते हैं। बिल्कुल आधा अधूरा, वो बल्कि प्रॉब्लमेटिक हो जाता है वो, काम उनको समझ नहीं आता कि नौकरी करें या काम करें। बिल्कुल, क्योंकि अपना काम करते काम कर नहीं पाएंगे, काम कर नहीं पाएंगे तो मजबूरी में बंद करना पड़ता है। जॉब करेंगे, जॉब 1-1.5 महीने कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो कोई भी कंपनी बिना काम कराए पैसे तो नहीं दे सकती। बिल्कुल, हम लोगों की ट्रेनिंग का अभी तो समझ लीजिए इंजीनियर्स की डिमांड इंडिया में तो है ही है, ऑल ओवर वर्ल्ड हो गया है, केवल नाम ही काफी हो गया है। एक तो कंफर्म कह सकते हैं, हम लोग प्राउडली कह सकते हैं 2018 से इतनी ज्यादा मेहनत की है, अपने लिए भी की है, आप बच्चों के लिए भी की है इतना, और इतना इस नाम को और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतना ऊपर ले गए हैं कि आज केवल नाम ही काफी है कि इनके साथ अगर हमारा नाम लग जाए कि हाँ इंजीनियर चॉइस इन्होंने ट्रेनिंग की है। okay. तो हर हाल में जॉब तो इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। जॉब इनको ढूंढती है। जी बिल्कुल, आपने एक डायलॉग सुना है कि काबिल बनो, है ना, तो वो ऐसा ही यहाँ पे पीछे भागेगी। तो यहाँ के हर एक, अभी यहाँ पे लड़के हैं, इवन इनके सामने भी कई बार ऐसा हुआ कि कई लड़कों को जॉब ऑफर किया गया है। okay. और पूछा भी जाता है, आए दिन हम लोग को फॉरेन से भी कॉल्स आती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हमने कईयों के वीजा लगवाए, जहाँ 15-15 लाख तक लगते हैं, 10-10 लाख लगता है, 5-5 लाख लगते हैं, वहां का वीजा हमने बच्चों को फ्री में दिलाया। ऐसा है या नहीं है? जी सर, अभी भी है। इवन आप लोगों ने पुरानी वीडियो में भी देखा होगा कि हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स हैं, मेन इंजीनियर्स हैं, उनको भी हम लोगों ने मौका दिया है बाहर जाने का। तो सर इस पार्ट का हिस्सा बनने के लिए, हमारे भी व्यूवर्स यहाँ पर आने के लिए, उनको कैसे अप्लाई कर सकते, कैसे वो कॉन्टेक्ट कर सकते, थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूवर्स के। देखिए एक चीज और है, वीडियो देख करके, हमारी भी वीडियो और कई बार पेड प्रमोशनल वीडियोस हम लोगों ने भी, क्योंकि सोशल मीडिया काफी आजकल एक्टिव हो चुका है तो अब हम लोग भी प्रमोशन करने लगे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लगातार। तो पेड प्रमोशनल वीडियो देखकर आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि नहीं वीडियो देख लिया ये बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा तो मैं भी कर लूंगा। पहले आप, चैनल है। हाँ बिल्कुल, चैनल पे विजिट करिए, हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, ठीक है, पूरी चीजों को देखिए समझिए और उसके बाद। और दूसरी बात हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपको अगर चिप लेवल, हमारे यहाँ 2 कोर्स होता है, एक तो कार्ड लेवल और चिप लेवल, बस 2 ही चीजें, और हम लोग स्पेशलाइजेशन कराते हैं लैपटॉप्स के मदरबोर्ड रिपेयरिंग में। ओके, इसमें बेसिकली हम लोग उनको इनवाइट करते हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं या कार्ड लेवल का काम जो जानते हैं, अगर वो ज्वाइन करें तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट होता है।
ठीक है, उनके लिए उनको मतलब उनका ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाती है और वो अच्छे से सीख पाते हैं। और यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग के साथ साथ बिजनेस करना सिखाते हैं, तो जितने भी लड़के यहाँ पे सीखते हैं बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जाती है, काम जो सिखाया जाता है बिजनेस ओरिएंटेड, फाउंडेशन को बिजनेस माइंड में बनाया जाता है। बिल्कुल, इवन हम कैसे बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन से लेकर के बिजनेस एस्टेब्लिश तक का सारा प्रोसेस सिखाया जाता है। और मेन जो काम है लैपटॉप रिपेयरिंग वो तो सिखाया ही जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं होना है। हमारा ये मानना है कि आप चाहे 10 अलग अलग कंपनियों से सर्टिफिकेट लगा करके अपनी ऑफिस में टांग लीजिए, सर्टिफिकेट से बोर्ड नहीं रिपेयर होंगे जब तक आपको काम नहीं आएगा। और काम यहीं पे करना है। हम हमेशा हर लड़कों को बोलते हैं, भाई कई बार होता है ट्रेनिंग लोग करते हैं अलग इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, हमने काम तो सीख लिया लेकिन हाथ साफ करना बाकी है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं भाई, आप यहीं पे हाथ साफ करो, पानी से साफ करना है पानी साफ करो, थिनर से साफ करना है थिनर से साफ करो, अल्कोहल से साफ करना है वो, या हमारे पास अल्ट्रासोनिक क्लीनर उसमें धुलो हाथ, ठीक है, बोर्ड है पूरा, मतलब आपको ये नहीं, कॉन्फिडेंस यहीं से लेके निकलना है। बिल्कुल, बाहर जाकर के ये नहीं बोलना कि अभी मुझे प्रैक्टिस करना है, आपको जितनी प्रैक्टिस करना है यहाँ करिए, जितनी बोर्ड रिपेयर करना है यहाँ करिए। हमारे यहाँ तो जितना बच्चा, हर एक बच्चा जितनी फीस जमा करता है उसका डबल हमारे लिए अर्निंग करके जाता है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। हाँ, प्रैक्टिकल में, क्योंकि वो हमारे पास, हम लोग पहले इतने ज्यादा स्क्रैप बोर्ड परचेस करते हैं, उनपे का वर्क कराते हैं, उस पर वो रिपेयरिंग करते हैं, उसके बाद कस्टमर्स के भी बोर्ड रिपेयर करते हैं। इवन इसमें कई लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने स्क्रैप बोर्ड रिपेयर करना, इवन कस्टमर के बोर्ड भी ये काम करने लगे हैं एवरीडे। हमारे पास डेली शाम का रिपोर्ट आता है, ठीक है, उस रिपोर्ट में किस बच्चे ने कितना काम किया है, वो पैसे जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है वो दिखता है हमें। ठीक है, समझ रहे? तो उस रिपोर्ट में जब कोई बच्चे का नाम आना शुरू हो जाता है और कंटिन्यूअस आना शुरू हो जाता है, तब हम लोग उसको सर्टिफिकेट क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, अदरवाइज नहीं। अगर हम वो लड़के का नाम नहीं आ रहा है हमारे डेली शाम के रिपोर्ट में कि वो पैसे कमा पा रहा है कि नहीं कमा पा रहा है, पहले वो हमारे लिए कमाएगा तभी तो अपने लिए कमाएगा। यह कंपनी यहाँ पे ऐसा मौका मिलता है कि आप अपनी एनर्जी को, आप अपने एजुकेशन को, आप अपनी काबिलियत को पूर्ण रूप से टेस्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो काम सीखा है वो काम का है या नहीं है, क्या उससे आप पैसे जनरेट कर पा रहे, कस्टमर का बोर्ड रिपेयर करके पैसे आप कमा पा रहे हो कि नहीं कमा पा रहे। आज हमारे लिए कमाओगे तो कल अपने लिए कमाओगे, आज हमारे लिए नहीं कमा के दिखा पाओगे तो अपने लिए कैसे कमाओगे। बिल्कुल, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हर एक लड़के को मौका मिलता है। ऐसा मिलता है आप लोगों को भी? जी सर। आप लोग कितना, चौथा महीना है आप लोगों का? दूसरा महीना। लेकिन आपसे जो सीनियर है आपके क्लास वाले, उनको काम करते हुए आप लोग देख रहे हैं? जी सर। ऐसे फालतू मतलब झूठ नहीं बोलना है, समझ रहे कि नहीं? हाँ, ये सच्चाई है, रियलिटी है ना ये, कि ग्राउंड लेवल की, देखियो कई बार वीडियोस में कुछ और होता है, ग्राउंड लेवल की रियलिटी कुछ और होता है। और मैं व्यूवर्स को भी, जो कोई वीडियो देख करके मेरे लेक्चर को, या मैं जो अभी बोल रहा हूँ, हो सकता है कई बार सुनने में काफी अच्छा होता है, साउंड्स गुड बोलते हैं, हाँ यार ये बोल रहा है काफी अच्छा बोल रहा है, कई बार बोल करके लोग कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी होती है कि लोग कन्विंस हो जाते हैं, तो नहीं, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को देख करके अगर कन्विंस हो रहे हैं तो पहले चुपचाप आकर के ऑफिस पे विजिट करिए। स्टूडेंट यहां बैठे होते हैं 304A में, उनसे पर्सनली बैठ के बात करिए और रिव्यू जानिए, या वो काम सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं उससे पूछिए। और एक चीज और है, हमारे पास बार बार लड़के बोलते हैं कि हमेशा डेमो चाहिए, डेमो करने के बाद हम क्लास करेंगे। भाई डेमो क्या होता है मेरे को आज तक नहीं समझ आया। डेमो में अगर आप लेने आप आ रहे हो, मेरे को कह रहे हो कि मुझे डेमो क्लास दे दीजिए, उसके बाद मैं रिपेयरिंग का अपना एडमिशन कराऊंगा, अगर मुझे पता चल गया कि आप डेमो लेने आए हो, मुझे चेक करने आए हो, तो मैं तो 100% दूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इस डेमो में मैं क्वालिफाई हो गया तो मुझे तुरंत फीस मिलनी है पूरे पैसे एक साथ। जी सर। तो कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि वहां पहले विजिट करिए, चुपचाप विजिट करिए, वहां पे जो लड़के हैं, बैच किस टाइम चल रहा है, एग्जिस्टिंग बैच, उसके बारे में पता करिए, जब वो छुट्टी होती है उस बैच की, उस टाइम उनसे बाहर, कोचिंग के बाहर मिलिए और उनसे प्रॉपर रिव्यू लीजिए कि भाई तुम कितने टाइम से पढ़ रहे हो, तुम्हें काम आता है या नहीं आता है, तुम काम सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे। अच्छा, तुम्हारे पहले जो सीनियर आए मिले होंगे, तुम जब आए होगे, उस एक या दो बैच तो चल रहा होगा ना? बिल्कुल। हमारे यहाँ केवल दो बैच चलता है, एक 11 बजे से 5 बजे का और या लास्ट, और फिर 5 बजे से 8 बजे का, दो ही। तो ऐसा ही आप लोगों के साथ भी है? जी सर।
आप अपने सीनियर से सभी लोगों को मिलते हैं? जी सर। क्या अपने सीनियर्स को आप काम करते हुए देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जी सर, देखते हैं। उनसे कभी पूछा कि क्या कितने टाइम से आप हो और काम हम भी से कैसा लगता है आपको? लगता है कि आप भी सीख सकते हो उनके जैसा? जी सर। ठीक है, ये ही होना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में जा करके किसी भी काउंसलर होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं, अच्छी अच्छी बातें करके, अच्छे अच्छे फ्यूचर दिखा करके कन्विंस कर लिया जाता है और जो चाहिए एक्चुअल में वही नहीं मिलता है। ढेर सारा डिस्काउंट मिल जाता है, ढेर सारा ऑफर्स मिल जाता है। 15 अगस्त आ रहा, उस पर ऑफर मिल जाएगा। कभी रक्षाबंधन है तो उस पर ऑफर मिल जाएगा। एडमिशन में पहले फीस बताया गया कुछ और, अगर तुम 3 दिन तक तुमने फोन अटेंड नहीं किया तो एक अच्छा डिस्काउंट दे करके तुम्हें बुला लिया जाता है। ठीक है, इन सब चीजों पे, ये सब ना, इन सब ट्रैप से आपको इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। ये एक ट्रैप ही एक तरह से, एजुकेशन तो धंधा ही हो गया है एक तरह से। लेकिन आज भी हम लोग है, देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, काम तो यहाँ पर भी एक्चुअली इस प्रीमिसेस, ये तो काफी ज्यादा रेंटेड भी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है 100% कि काम हम लोग सिखा ही देते, बिना सीखे किसी को निकलने नहीं देते। जो स्टूडेंट ऑफ वैल्यू दे रहा है आपको, पैसा दे रहा है, उसका आप उसका दुगना दे के भेज रहे हो सर। मैं कहता हूँ कि मेरे फीस तो कोई दे ही नहीं सकता। हम लोगों ने जिंदगियां बदल देते हैं, समझ रहे कि नहीं? बिल्कुल सर। जितना मेहनत कर रहे ना, मैं यहाँ 2012 में आया था दिल्ली, और 2012 से लगातार मेहनत करता हूँ। और मेरी खुद की सोच है कि जो मैं इस इन्वायरमेंट में, इस नेचर से जो जो मैंने सीखा है, अगर वो सिखाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और कोई सीखना चाहता है तो उसका पूर्ण रूप से अधिकार है मेरे हर एक ज्ञान पे। ठीक है, इस तरीके के सोच रखता हूँ, क्योंकि मैंने देखा इसी हिंदुस्तान में लोग शब्दवेदी बाण मारना जानते थे, शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे। इसी हिंदुस्तान में लोग चुटकी बजा करके कबूतर बनाना जानते थे। ये सब विद्याएं हुआ करती थी, लेकिन इसी हिंदुस्तान में किसी को सर्प दंश होता था, किसी को बिच्छू काट दे, लोग मंत्र थे इस लोगों को सही कर दिया करते थे। ये सारी विद्याएं विलुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपना ये नॉलेज लोगों को पास नहीं किया। ठीक है, इन सब चीजों का मैं बिल्कुल विरोध करता हूं पूर्ण रूप से। कोई भी अगर आपको नॉलेज इस संसार में आकर के मिला है, इस नेचर में मिला, वो नेचर ने आपको दिया है, तो आपका हक बन, मतलब आपको, मतलब आपका ये कर्तव्य बनता है कि उस नॉलेज को, उस ज्ञान को आगे पास करो। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं केवल अपने रिलेटिव हो गया। करते क्या है लोग, मेरे को एक ज्ञान आ गया, सर्पदंश का विष निवारण का मेरे को पता चल गया, विद्या आ गई, या मैं किसी भी तरह का एक अलौकिक विद्या का मैं समझो धनी हूं, तो ये क्या गया, मैंने किसी अपने रिलेटिव, ब्लड रिलेटिव्स को ज्यादा से ज्यादा दिया, किसी अपने बेटे को दे दिया, या किसी मतलब रिलेशन में किसी को दे दिया, उसके अलावा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस नेचर में जन्म लिए हैं और इस नेचर से जो कुछ भी आपने सीखा है, तो वो नेचर के ही लोगों को, हम सब नेचर की संतानें हैं, तो उनको देना बनता है। ठीक है, उनको लेकर के मरने की जरूरत नहीं, वो सारा ज्ञान बांट कर ही। और एक चीज और बता रहा हूं, जिस दिन आप ज्ञान बांटने के लिए या लोगों को देने के लिए खड़े होते हैं, उस दिन आपका ज्ञान और बढ़ता है। हमने मतलब आज लोग मानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कुछ तो टॉप 10, टॉप 15, टॉप 100 में भी कहीं पर भी एक स्थान जरूर है कि हाँ अच्छा सर सिखाते हैं या पढ़ाते हैं। और ये भी मैंने तभी सीखा जब मैंने सिखाने की कोशिश की। बिल्कुल, जब मैंने सिखाना शुरू किया तो जितना मैं सिखाता था बच्चों को, उससे कई गुना मुझे सीखने को मिलता। और मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी लड़के कई अलग जगहों से सीख कर आते, और 2-4 बातें वो भी मुझे सिखा जाते हैं कि सर हम इस चीज को ऐसे जानते हैं, आपने ऐसे बताया। सर ये तो हो गया हमारा, आगे का प्रोसेस दिखाइए सर। हाँ, दूसरा ये है हम लोगों का रिपेयरिंग सेंटर्स। ये हमारी पर्सनल रिपेयरिंग सीट है जहाँ पे हम लोग बोर्ड रिपेयर करते हैं, और हर ब्रांड के बोर्ड रिपेयर किए जाते हैं यहाँ पे, चाहे वो HP हो, Dell हो, Lenovo हो, किसी भी ब्रांड का लैपटॉप होता है। जनरली लैपटॉप रिपेयरिंग का जो कल्चर है ना, वो छिप छिपा कर करने का है, पर्दे की आड़ में है। लोगों का अक्सर ये कंप्लेन होती कि सर हमारा लैपटॉप हमारे सामने रिपेयर करवाना है, तो हम वो लोग हैं, आप एक पर्सनल पहले टाइम अपॉइंटमेंट बुक करिए, आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा, उस टाइम पे आएंगे तो यहाँ प्रॉपर आपके सामने ही आपका कंप्यूटर रिपेयर किया जाएगा, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे Lenovo का हो, चाहे डेल का हो, किसी भी ब्रांड का हो। सर जैसे कि लैपटॉप को ये वीडियो बाहर से देख रहा है, उसको लैपटॉप रिपेयर करवाना है, तो उसके लिए कैसे रहता है प्रॉपर? सर देखिए, आजकल तो कुरियर सर्विसेज बहुत ईजी है, किसी भी चीज़ को कहीं पर भी। इवन आजकल तो इंटरसिटी भी बहुत, मतलब छोटे छोटे सर्विसेज भी होने लगी हैं, जैसे वी फास्ट जैसी सर्विसेज हो गई हैं, कुरियर सर्विसेज आई हैं।
हम लोगों के पास ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया से लोग अपने मदरबोर्ड्स, अपने लैपटॉप शिप करते हैं, भेजते हैं कूरियर के थ्रू। हमारे यहाँ प्रॉपर वे में उसे डायग्नोस करके, रिपेयर करके फिर उन्हें वापस कर दिया जाता है। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया कि मैकबुक रिपेयर करने के लिए हम एक टाइम स्लॉट देते हैं ताकि कस्टमर अपने सामने रिपेयर करवा सके। हाँ जी, तो इधर में कुछ कस्टमर बैठे हुए हैं, इनसे मैं बात करना चाहूंगा। तो हेलो भैया। हेलो, तो आप यहाँ पर क्या रिपेयर करवाने आए हैं? मेरा एक लैपटॉप था, ऐसा लग रहा था कि बस वो लास्ट स्टेज में है। ओके। लेकिन मुझे आने के बाद जब वो मैंने स्क्रीन देखी उसकी, तो मुझे लगा कि फिर से उसको जीवंत यहाँ किया गया है। तो सर, एक सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल, सर ने एक चीज बताया बहुत अच्छा, मुझे ये वर्ड लगा कि आपके सामने आपकी चीज रिपेयर। हाँ, मेरे सामने ही रिपेयर हुई है और मेरे सामने ही जो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे भी सेवा मुझे मिला यहाँ। बिल्कुल। तो सर आप कहाँ से हैं? मैं ओखला विहार। ओखला विहार से आए हैं स्पेशली इसके लिए आए हैं? हाँ। अरे वाह, तो यहाँ पे आप हम व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे एज ए रिपेयरिंग के लिए, कि किन्हीं का कोई प्रोडक्ट जैसे कि लैपटॉप है, सिस्टम खराब हो रखा है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से कि जब कभी भी हम किसी सेंटर पे देते हैं अपना लैपटॉप, तो बैक एंड में जो काम होता है, तो यहाँ पे दिल के अंदर एक एंड में थोड़ा सोचता है क्या चल रहा है, क्या कहीं कुछ और। तो काफी देर से करीब में मेरे सामने ये रिपेयर हो रहा है लैपटॉप मेरा, और किसी तरह से कोई रोक टोक नहीं है, जाके हम देख रहे हैं सब कुछ एकदम बढ़िया से हो रहा है। तो हम यही कहेंगे, एक्चुअली मैं एक एक्टर भी हूँ, कॉमेडियन भी हूँ, तो उसमें ये कह सकता हूँ नाना पाटेकर की आवाज में कि आ गए, अगर मेरा वो लैपटॉप ले लाओ और यहाँ से जिंदा लेके जाओ, अच्छा है। बस मैं यही कहूंगा कि आप लोग यहाँ आइए और अपना लैपटॉप या जो भी कुछ हो रिपेयर करके ले जाइए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत धन्यवाद। यार एक कस्टमर हमें ऐसे मिले भाई, भैया का एक और भैया है, और है ये लेनो का थिंकपैड था ना? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस लैपटॉप, एक सेकंड सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा, इस लैपटॉप के बारे में बताना चाहूंगा कि ऐसे लैपटॉप देख करके ना अच्छे अच्छे को कान खड़े हो जाते हैं, हाथ खड़े हो जाते हैं। लेनोवो थिंकपैड, थिंकपैड रिपेयर करना ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू विंडोज की मशीनें। तो ये मशीन भी डेड आई हुई थी, और बताएंगे भैया बाकी कहां से। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन मैं काम करते करते सोया, लैपटॉप को सुला दिया। बिल्कुल। मैं तो उठ गया लेकिन ये नहीं उठा। उसके बाद मेरे घर से नजदीक था नोएडा सेक्टर 18, वहां पर लेके गया मैं। उस बंदे ने दो तीन दिन अपने पास रखा हुआ था इस लैपटॉप को, उसने चाहा कि इसको ठीक कर दे, ये कर दे, वो कर दे। दूसरे तीसरे दिन हम पहुंचे वहां पर, तो मुझसे कह रहा है 3,000 रुपए दे दो, इसको वापस लेके चले जाओ, इसमें कुछ बचा नहीं है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया, यूट्यूब पे देख रखा था, और सर ने एक बात यही कही थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे यहाँ आइए तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। क्योंकि अगर वो खराब देते, ट्रैक काट देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, फिर भी सर के पास आए। और द बेस्ट थिंग यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि मैंने फोन किया तो सर ने बाकायदा, इतना बड़ा इनका पूरा सेटअप है, लेकिन फिर भी ये कॉल को रिसीव किए, इन्होंने मुझे बताया कि आप जो है आ जाइए, और इनकी जितने भी स्टाफ है सब बहुत कोऑपरेटिव है। मतलब आपको यहाँ फील नहीं होगा कि आप किसी ऐसी जगह पे हो, देयर इज नो एटीट्यूड, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं। तो बहुत इजीली हम ठीक करा रहे हैं, सेंटर पे जाने पे आपको बाहर खड़ा कर दिया जाता है। हाँ। कि आपका लैपटॉप आ रहा है। जी 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 जी, तो बहुत हम लोग खुश हैं कि मतलब ऐसे सेंटर में। मैंने कहा भी इनसे है, हमारे जो दोस्त हैं, कि अगर कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो यही आंख बंद करके चले आना और कहीं नहीं भैया। ओके, तो हम लोग आ गए हैं अपने सेकंड ऑफिस पे, जहां सेकंड लेवल का फाइनल ट्रेनिंग कंप्लीट की जाती है। okay. यानी कि जब थियोरेटिकल क्लासेस पूरा कंप्लीट करा करके, प्रैक्टिकल के साथ करा कर करके हम बच्चों को बोल देते हैं कि आप उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए, अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप इस ऑफिस में आते हैं। ये 6th फ्लोर 617 है। ओके, ठीक है। ये हमारा पूर्ण रूप से जो भी विंडोज बेस्ड मशीनें होती हैं उनकी कंप्लीट रिपेयरिंग यहाँ पे की जाती है। ठीक है। हम मैकबुक की रिपेयरिंग स्पेशली हम अपनी साइट पे करते हैं। बिल्कुल। 3rd फ्लोर पे 304 पे विंडोज से रिलेटेड जितनी मशीनें होती हैं वो सबमिट यहाँ होती हैं। बेसिक डायग्नोस्टिक यहाँ पे किया जाता है और रिपेयर भी यहीं पे कर लिया जाता है, रिपेयर होने के लिए होता है। और इनकेस नहीं होता तब वो हमारे साइट पे जाता है। वैसे यहाँ का एक कमाल के चैंपियन आदमी है कमाल सर, जिसको पहले भी हमने आपको वीडियो में दिखाया होगा, उनके हाथ से बचता ही नहीं जो आपके पास आए। हाँ, पहले ही निपटा देते हैं मैक्सिमम बोर्ड को। ओके, सो ये बच्चे हैं, ये लोग भी अपनी ट्रेनिंग, ये भी स्टूडेंट है। हाँ, ये स्टूडेंट है। हाँ जी, क्या नाम है? रोशन। रोशन, रोशन नाम है। कितना टाइम हो गया तुम? सर मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। कितना टाइम हो गया सर आपको? मेरे को 1 महीना हो रहा सर इधर आके। 1 महीना हो गया। और लगभग कितना सोच कर आए थे यहाँ पर, वो चीज है? हाँ बिल्कुल सर, हो रही है, हो रही है। इनसे मिलिए, ये
इनका तो अच्छा नाम राजन कुमार है, मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से आयो सर जी, और ये सीखने के लिए जी कितने महीना हो गए सर? मेरा हुआ 5 महीना। 5 महीना हो गया तो लगभग आ गया होगा जी सर, लगभग। और अपने भाइयों को क्या कहना चाहोगे जो ये वीडियो देख रहे हैं? सबको कहेंगे कि एक बार कोशिश करें। बिल्कुल, यानी अपने आईटी सेक्टर में जो भाई आना चाहते हैं उनके लिए एक बार आओ यहाँ पर विजिट करो, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो यहाँ के जो मेन चैंपियन कमाल सर, बिल्कुल जिनका नाम आप बता रहे हैं, एक्चुअली में हाँ नाम इनका कमाल सर है। हाँ, और एक्चुअल में कमाल के कमाल है, और कमाल की टेक्निक्स भी है इनके पास। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हम आपको अपना नॉलेज जो हम जिनका हम किसी काम को किस तरीके से करते हैं वो तो सिखाते ही सिखाते हैं, और यहाँ पे 5 से 10 अलग अलग इंजीनियर अपना दिमाग जो इस्तेमाल करके अलग अलग टाइप से उसी काम को करते हैं, वो चीज भी यहाँ सीखने को मिलती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। विंडोज के किसी भी टाइप का कोई भी मशीनें होती है, जनरेशन का कोई मतलब भेदभाव नहीं होता यहाँ पे, सारी मशीनें सर के यहाँ पे बोर्ड्स मतलब ये इस सेट पे रिपेयर होते हैं। और देखेंगे ना, समझ लीजिए इनको, ये तो हम लोग इनको टेक्नीशियन के साथ साथ मैजिशियन भी कहते हैं। ओके, ठीक है, मैजिशियन टाइप है, मतलब काम को समझ लीजिए अब जितनी भी तारीफ करे कमी है, मैक्सिमम बोर्ड यहीं पे निपटाने, मतलब थ्योरी सर आप नीचे देते हो। हाँ, जो स्टूडेंट थ्योरी से ऊपर आ जाते हैं तो प्रैक्टिकल सर देते हैं। हम थ्योरी विद प्रैक्टिकल दोनों हम वहाँ से रेडी करके भेजते हैं। ओके, कि हमने इस लड़के को तैयार कर दिया है, ये काम कर सकता है, लेकिन उसका परीक्षण इनके द्वारा किया जाता है। ओके, और निष्पक्ष भाव से किया जाता है, और ऐसा नहीं कि ये हमारे पास पढ़ा है इसलिए ये बोलेंगे कि नहीं हाँ ये कर लेता, ऐसा नहीं है। उसे काम करवाते हैं, नहीं काम कर पाते हैं तो वहीं पे सामने लड़के को बोला जाता है तुमने क्या सिखा नीचे, किसने सिखाया तुमको। बिल्कुल, ठीक है। और अगर सिखाया है दिनेश सर ने तो दोबारा से जाके सीख के आओ, क्योंकि तुम काम नहीं कर पा रहे हो। समझे, पूरा इस तरीके से प्रॉपर यहाँ पे मतलब समझ लीजिए कि अपना कहते ना परीक्षण देना पड़ता है। लोग रिपेयर करते हैं, और बोला ना कि यहाँ की डायरी में नाम आना, जब नाम आने लगता है वो बोर्ड रिपेयर करने लगते हैं तब ही हम लोग उनको सर्टिफिकेट अब इशू करते हैं। यानी कह रहे हैं वो रिवेन्यू बनाने लगेगा तो यह, बिल्कुल अपने लिए भी वो पैसा कमाने लगेगा। यहाँ पे देखिए सारे लोग स्टूडेंट हैं, ये पुराने स्टूडेंट है लेकिन अभी ये पेड एम्प्लॉई है हमारे पास। ओके, काम कर रहे हैं, और जल्द ही यहाँ से इनको विदा कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा कहाँ, यूके। यूके चांस मतलब हमारे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं या स्टूडेंट्स को भी मौका मिलता है। अब हम लोगों के पास चूंकि ऑल ओवर वर्ल्ड से जॉब के लिए कॉल्स आने लगती हैं, आने लगी हैं, तो बच्चों को जो अच्छा परफॉर्म करता है उनको रिकमेंड कर देते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचते हैं बच्चे। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। ये देखिए पूरा प्रॉपर, ये क्या नाम है आपका? श्रीनिवास। अभी कुछ ही महीने पहले इनके ये यहाँ पर आए हों, कितने टाइम हुए आपको? 2 महीने बस। हाँ, 2 महीने हुआ है, और मैं अभी इसी वीडियो में अपनी मोबाइल में दिखाऊंगा या मैनेजर सर से दिखाते इसकी रिपोर्ट इस लड़के की। मैनेजर सर, जो आप एवरीडे का जो रिपोर्ट होता है कि हमारी जो अर्निंग हुई है उसी की कुछ झलक दिखाएंगे, और किन किन लोगों का नाम आता है, वो स्टूडेंट है 2 महीने हुआ है, और किन के नाम आने लगे हैं हम दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बोल रहे हैं, ये देखिए एवरीडे मंथली कलेक्शंस करके हमारा ग्रुप बना हुआ है, हमारा मतलब मैनेजर सर हैं, हम हैं और भी लोग हैं। अब ये यस्टरडे का देख रहे हैं आप, दिख रहा है इसमें लिखा है 4000 रिपेयर बाय श्री, उसी लड़के का नाम है। ओके, 2500 HDD ये लिखा हुआ है, 2000 रिपेयर बाय श्री, 2000 रिपेयर बाय श्री। आप देख पा रहे हैं श्री ने कल 8000 के काम किया हमारे लिए। बिल्कुल, और यस्टरडे का भी देखते हैं हम लोग, श्री लिख के आ रहा है रिपेयर, 2000 कीबोर्ड चेंज बॉडी चेंज रिपेयर सर्विस बाय श्री लिख के आ रहा है, और लिख के किस श्री आ रहा है इसमें, यहाँ पे नीचे भी देखिए श्री लिख के आ रहा है, यानी कल भी इस लड़के ने 3000 का काम किया है हमारे लिए। तो आपने सही कहा सर, आप एक चीज ऊपर भी देखिए इनके नाम आते हैं, और हर एक इंजीनियर कौन काम कर रहा है यहाँ प्रॉपर लिख के आता है कि किसने क्या क्या। आप एक देखिए 8 जुलाई का काम किया, 5300 रिपेयर बाय श्री अजीम, ये नीचे लड़का बैठा हुआ है ये भी स्टूडेंट है। ओके, इसका नाम लिख कर कर आ रहा है कि अजीम ने रिपेयर किया, कमाल सर ने किया, अजीम ने रिपेयर। जितने लोग हमारे यहाँ इंजीनियर हैं, चाहे वो पेड है या अनपेड है, वो कितना काम कर रहे हैं, वो क्या रिवेन्यू जनरेट मतलब जनरेट कर पा रहे, पैसे जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, यहीं पे वो पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेते हैं। जब वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगते हैं, जब वो पैसे कमाते हैं ना अपने काम करके, तो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है और अच्छा करने का उनको मन करता है।
सबसे प्लस पॉइंट है। ठीक है, ये जो ऑफिस है ये किस लिए बेसिकली? देखिए ये तो मैनेजर सर की ऑफिस है, यहाँ से सारी चीजें मैनेज होती हैं, सारा जो भी आप कुरियर के थ्रू भेजते हैं सब इन्हीं को रिसीव होता है और इनकी इन्फॉर्मेशन, इन्हीं के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। किसी भी लैपटॉप्स के रिपेयरिंग का क्या स्टेटस है वो सारी जानकारी आपको मैनेजर सर से मिलेगी, अंकुर सर के। इनका मोबाइल नंबर भी मैं बता दे रहा हूँ इसी वीडियो में, 700-7576 ठीक है 137। इस नंबर पे आप कॉल करके जो भी आप मशीन भेजते हैं उसका स्टेटस जान सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ देख पा रहे हैं कुछ बेसिक टूल्स हैं। बिल्कुल, जब लड़का अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें भी फुल सपोर्ट होता है। इवन हम लोग ये तक समझाते हैं कि आपको अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि अपने सेटअप के लिए किस तरीके का टेबल डिजाइन करना है, किस साइज का टेबल डिजाइन करना है, किन कौन कौन स्टार्टिंग में कितना बजट है उसके हिसाब से कौन कौन से टूल्स उनको खरीदने चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग गाइड करते हैं। और यहाँ तक कि खुद भी प्रोवाइड करते हैं वेरीफाइड टेस्टेड टूल्स। कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी टूल्स हम बेचने वाले हैं, सेलर हैं तो सेल्समैन या सेलर तो होता है, उसको जितने भी प्रोडक्ट दो सब सेल करना चाहता है। आपको हमारे पास अगर मल्टीमीटर है तो केवल एक ही कंपनी का मल्टीमीटर मिलेगा, चिमटी होगी A1 क्लास का, कोई भी आयरन होगा SMD होगा, हमारी वेबसाइट भी है इसको वेरीफाई कर सकते हैं www.masterdinesh.com। हम जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं एक एक प्रोडक्ट ही होगा, उस पर आप जाकर के देखिए एवं उस प्रोडक्ट को किस तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके हम अच्छा पैसे कमा सकते हैं। हम टूल्स को भी एज ए समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं। 8000 का हमने कई वीडियो बनाई है, ब्लॉग में जाकर के चेक करिए कि हमने एक केवल मात्र 8000 का परचेज करिए ओवेन और हर महीने 8000 कमाइए, 65000 का परचेज करिए अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग मशीन और हर महीने कम से कम उससे 10000 कमाइए। बिल्कुल ठीक है, 10000 रुपए पर मंथ अल्ट्रासोनिक मशीन आपको कमा के दे देगी, 8000 रुपए 5000 रुपए कम से कम आपको ओवेन कमा के दे देगा। थर्मल कैमरा 30-35000 का मिलता है और हर महीने कम से कम 4-5000 रुपए कमा के देगा, काम के ऊपर डिपेंड कर, अगर अच्छा काम है तो इससे ज्यादा, ये तो मिनिमम बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी कहना कि जब तक आप खुद काम करके कमाएंगे तो बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे, जब आपके साथ आपके टूल्स भी पैसे कमा के देंगे तब आप पैसे कमाते हो ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है, ठीक है सर। हाँ तो सर ये तो हो गया आपका रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर, आगे क्या दिखाने वाले हैं? बिल्कुल सर, एक चीज और, वन स्टॉप आईटी सॉल्यूशन। और एक स्टूडेंट को बोला ना हमने पूरा बिजनेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस को किसी भी एक स्टूडेंट को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, काम पूरा सिखाते हैं, और अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब के लिए रिकमेंडेशन भी कर देते हैं, और उसके बाद अगर अपना सेटअप डालता है तो उसमें 100% उनको सपोर्ट करते हैं। देखिए इस सपोर्ट में भी मेरा ही फायदा है। बिल्कुल, बच्चे का तो सब फायदा ही है, मेरा फायदा, हम हर प्रोडक्ट बेचते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बिना मार्जिन के बेच रहे हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया बेच रही है, हम भी बेच रहे हैं। ठीक है, हम अपने बच्चों को यही है कि वेरीफाई करके टेस्टेड प्रोडक्ट दे रहे हैं प्लस वारंटी दे देते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हैं तो उस पर वारंटी नहीं मिलती है। बिल्कुल, रिपेयरिंग के टूल्स में, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को वारंटी देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर वो अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और टूल्स खरीद के ले गया या स्टार्टिंग में ही उसका लॉस हो गया तब तो मोरल डाउन हो जाएगा ना। बिल्कुल, तो एक तरह से हम लोग सपोर्ट करते हैं, वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों के अंदर क्षमता है कि अगर उसका नुकसान हो गया तो उस क्षमता को बियर कर सकते हैं, इसलिए वो बियर करते हैं, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों को प्रॉपर सपोर्ट देते हैं, टूल्स पे वारंटी भी देते हैं। और ओके टेस्टेड वेरीफाइड टूल्स जो हम लोग खुद यूज करते हैं, जो कमाल सर यूज करते हैं, जो हमारे यहाँ के बाकी इंजीनियर्स यूज कर रहे हैं, वही टूल्स सेल भी करते हैं, उसके अलावा कोई अलग प्रोडक्ट अलग ब्रांड का नहीं बेचते। ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप रिपेयरिंग के साथ साथ हम लोग की है, आप एक छोटा सा बिजनेस सेल्स का भी काम शुरू कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे आजकल वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस हो गया है रिफर्बिश्ड लैपटॉप बेचने का, अच्छे से अच्छे लोग, बड़े से बड़े लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छी रिटर्न्स कमा रहे हैं लैपटॉप्स के सेल्स वाले बिजनेस में। बिल्कुल सर, मेरा ये मानना एक नया लैपटॉप बिक रहा है आज के डेट पे तो 10 रिफर्बिश्ड लैपटॉप बिक रहा है, सेकंड हैंड बिक रहा है। बिल्कुल सर, ठीक है, ये बहुत ही तेजी से ग्रोथ होने वाला बिजनेस है, तो उसमें भी हम लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। आइए ले चलते हैं उस ऑफिस में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सेल्स ऑफिस में, जहां से आप रिफर्बिश्ड प्रीमियम लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। आइए, ये हमारा ऑफिस है। ओके, जहां से आप अपने लिए बेस्ट
क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर इंजीनियर चॉइस या कह सकते हैं मास्टर दिनेश, मेरा खुद की एश्योरिटी रहेगी वारंटी की। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसको इमीडिएट बेस रिजॉल्व किया जाएगा। मेरा नंबर आपको बता देता हूँ 8800420011। इस ऑफिस में आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए या लैपटॉप परचेज करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा आलोक जी को। ये आलोक जी, हेलो आलोक जी। हेलो सर। हाँ, ये यहाँ के सारे कर्ता धर्ता मैनेजर साहब या सर्वे सर्वा यही हैं आलोक जी। बिल्कुल ठीक है। अगर ये आपकी बात नहीं सुनते हैं तब आप हमें कॉल लगाइए, ठीक है। और एक चीज हमारी तरफ से 100% रिस्ट्रिक्शन है कि क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है, क्वांटिटी नहीं। हम यहाँ से क्वांटिटी में डील नहीं करते हैं, लेकिन क्वालिटी में डील करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसको 2 से 3 लेवल तक हर एक लैपटॉप को टेस्ट किया जाता है। उसको जब वो 100% वेरीफाई हो जाते हैं, हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तब ही इसे रिकमेंड करते हैं किसी को, ठीक है। हमारा ये मानना कि जो प्रोडक्ट खुद को नहीं पसंद है, जो खुद नहीं यूज करना चाहते हैं, वो दूसरे को कैसे यूज करवा सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, जब हम उस प्रोडक्ट को खुद यूज कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट हमें खुद को पसंद आता है, तब हम लोग दूसरे को रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो आलोक जी बाकी बताएंगे। देख लिया हमने, लिया तो हमारे पास प्रीमियम क्लास के लैपटॉप सब अवेलेबल होते हैं। अगर आपको लेटेस्ट जनरेशन के लैपटॉप चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। 12-13 जनरेशन के लैपटॉप हमारे पास लेटेस्ट में भी अवेलेबल होते हैं। सारे बिजनेस लैपटॉप होंगे और हाई ड्यूरेबल लैपटॉप्स होंगे। तो जो आप अगर कंपैरिजन करेंगे नए लैपटॉप्स जो मार्केट में सेल हो रहे हैं, उनसे आप कंपैरिजन इसका नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी कॉस्टिंग काफी हाई होता है। जी, तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइजेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और ब्रांड सब मिल जाएंगे? ब्रांड सारे मिल जाएंगे। लेनोवो, एचपी, डेल, यही कॉमर्शियल लैपटॉप्स जब बनाते हैं वो हमारे पास ब्रांड अवेलेबल होते हैं। साथ साथ एप्पल्स के भी लैपटॉप हमारे पास मिल जाएंगे कम प्राइस बजट में। सर, हमारे पास जो स्टार्टिंग है 15,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। जी, और किसी को मंगवाना हो लैपटॉप तो उसके लिए कैसे रहता है सर? बिल्कुल सर, उनके लिए हमारे पास स्पेशल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। हम उसी लैपटॉप को जो हम सेंड कर रहे होते हैं उसी को 2-3 बार अच्छे से टेस्ट करते हैं। ओके। फिर प्रॉपरली पैकेजिंग करा के हम उनको वहाँ बाय कुरियर हम शिपिंग करते हैं यहाँ से। ठीक है सर, जैसे कि सर ने हमें अपना ट्रेनिंग दिखाया, सर्विस सेंटर दिखाया, और ये सेल डिपार्टमेंट दिखाया सर ने, और भी बहुत से लैपटॉप हैं जो कि यहाँ पर मिल जाएंगे। सेकंड सर, आपने अपना कीमती समय दिया। सच असली बात मैं बताऊँ तो आपने कीमती समय दिया हमारे व्यूवर्स को एंड मुझे, तो उसके लिए धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा सर एक बार मैं एड्रेस जानना चाहूँगा ताकि व्यूवर्स ईजिली यहाँ आ सके। सर देखिए, एड्रेस के लिए एक तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, www.masterdinesh.com, ठीक है। और मेरा पर्सनल नंबर आप रखिए 8800420011। और इस नंबर के व्हाट्सएप की डीपी एंड प्रोफाइल में दोनों जगह भी एड्रेस होता है हमेशा। और साथ के साथ मैं बताना चाहूँगा कंप्लीट एड्रेस, इंजीनियर चॉइस प्राइवेट लिमिटेड, हेमकुंत चैम्बर, बिल्डिंग नंबर 89, नेहरू प्लेस, कंप्यूटर मार्केट, न्यू दिल्ली 11001019। ओके, तो थैंक यू सर।